अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें इस तरह फोन करके क्यों बुलाया तुमने? केतकी, मुझे माफ कर दो। केतकी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज हटो, ये सब मत करो। जो औरत किसी के पति को चुराने की कोशिश करे, उस पर तो भूल कर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारी नफरत के लायक हूँ मैं केतकी, लेकिन केतकी मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। किसी अपने को खोने का क्या दर्द होता है, आज जाना है मैंने। और तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी मेरे और वरदान के बारे में जानकर। हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन ये पाप और नहीं होने दूंगी मैं। मैं हमेशा के लिए अपने बाबा को लेकर कोलकाता वापस जा रही हूँ। शायद तुम्हें मेरी इस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, मैं अभी तुम्हें टिकट दिखाती हूँ। वाह, हमारे पति के फोन अब भी तुम्हारे पास आ रहे हैं। अच्छा प्रायश्चित कर रही हो अपने पापों का। मैं सच बोल रही हूँ या झूठ अभी पता चल जाएगा। कालंदी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्योंकि मैं अपने फैसले पर अटल हूँ वरदान। मैं आज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें और इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। वरदान, हम जो कर रहे थे वो एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अब बस, अब और नहीं। और तुम्हें केतकी से ज्यादा प्यार करने वाली पत्नी कभी नहीं मिलेगी, और हो सके तो कभी उसका साथ मत छोड़ना। और हाँ, भगवान के लिए आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से तुम्हारे बर्ताव में इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्योंकि मेरे पापों की सजा मेरे पापा को मिल रही है। चलो मेरे साथ। मेरे बाबा की हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूं। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी शादीशुदा मर्द के साथ है, तो वो ये सदमा नहीं झेल पाए। मेरी फूटी किस्मत कि मेरे पास मेरे बाबा का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है केतकी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वरदान से कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, मैं उससे कोई मदद नहीं लूंगी, कोई मदद नहीं लूंगी। मैं और बाबा कुछ भी मैनेज कर लेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं भीख मांग लूंगी, अपनी किडनी बेच दूंगी, कुछ भी कर दूंगी, लेकिन वरदान से मदद नहीं लूंगी। मैं कभी भी तुम्हारे और वरदान के बीच नहीं आऊंगी दोबारा। जहां तक पैसों का सवाल है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। किस मिट्टी की बनी हो तुम केतकी? तुम उस लड़की की मदद करना चाहती हो जिसने जिसने तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश की। जीवन में पिता का क्या महत्व होता है वो अच्छी तरह से पता है हमें, क्योंकि हमारे सर पर पिता का साया नहीं रहा। तुम्हारे पिता का अच्छे से इलाज हो ये हम दिल से चाहते हैं। उनकी सेवा अच्छे से करो तो तुम्हारा प्रायश्चित अपने आप पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच केतकी, थैंक यू। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। बाबा, बाबा सब ठीक हो जाएगा।
केके लगता है बाबा की तबीयत खराब हो गई है, हमें उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुम एक काम करो केतकी, तुम ना ये एड्रेस पर जाकर श्रीकांत जी को पैसे दे देना, वो पैसे मुझ तक पहुंचा देंगे, ठीक है? मुझे बाबा को देखना होगा। बाबा 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 सब ठीक हो जाएगा। अपने पिताजी का ध्यान रखना। बाबा 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 गई? चलो अरे चलो। मुझे एक बात बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम चाहती क्या हो? कुछ भी सोचने की और समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको जितना कह रही हूँ प्लीज कीजिए। हाँ, उठो, चलो जल्दी करो। बाबा समय नहीं है। चलो चलो। लगता है तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है कालिंदी, तुम्हारा काम तो हो गया। कीर्ति बस घर से पैसे लेकर निकल रही है। एक बात बताओ दामाद जी, आपने अपने और हमारी पोती के भविष्य के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? आप क्यों चिंता करती हैं दादी? पता है हमारे भाग्य की रेखाओं में क्या दिखाई पड़ता है? क्या? एक बड़ी सी तिजोरी में चमचमाता सोना, खनखनाते जेवर, टिमटिमाते हीरे, छनछनाते पैसे। हाँ, छनछनाते पैसे मतलब कमाई करने की भी सोचे हैं, तो वो भी सिक्कों में दामाद जी। हमें तो ना छनछनात दिखाई दे रहा है ना खनखनात दिखाई दे रहा है, हमें तो बस ठन ठन गोपाल दिखाई दे रहे हैं। वैसे दादी हम भी आपकी बात से सहमत है, लेकिन आज ना हम इनसे कुछ नहीं कहेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी। कुल्फी खाएंगे? तुम्हें हम मना कर सकते हैं क्या? क्या बात है सुषमा, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। अब क्या करे दादी, आपकी बहुरिया की कितनी बड़ी बैंड बजने वाली है, ये सोच सोच कर खुशी तो होगी ना। अरे क्या हुआ? अरे दादी आज मौसम ही कमाल का, क्या बताए। वैसे दादी हम क्या कहते हैं, आप भी ना थोड़ी सी कुल्फी खा लीजिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। जी वो हमें श्रीकांत जी से मिलना है। आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं उन्हें बताती हूँ। नाम क्या बताया आपने? केतकी, केतकी तिवारी। बैठिए। जी बोलिए। श्रीकांत जी, हम केतकी तिवारी, हमें कालिंदी ने भेजा है ये आपको पैसे देने के लिए। एक मिनट, कम है प्लीज। जी ठीक है मैम, काम हो जाएगा। जी धन्यवाद। मैडम कहाँ जा रही हो? हम छोड़ दे, हम चले जाएंगे। अरे पत्थर, सॉरी। गाड़ी रोक, बताते इनको अभी। पकड़, you
जी। वरदान तिवारी की पत्नी को हाथ लगा के तुमने अपनी मौत को बुलाया है। तू अकेला अब तीनों का क्या कर लेगा भैया? जो मेरा है उसकी रक्षा करने के लिए मैं पूरी दुनिया का सामना कर सकता हूं। अच्छा अनोखा बंधन सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।